अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। कल मैंने आपको का वीडियो को लाइक कर दी और कल जो लाइक थे ना वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल काफ़ी ज़्यादा थे, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, मैं आपको डेली कह दिया करूँगा। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि एप्पल के बारे में, तो आपको मैंने कहा था कि यूक्रेन के वाइस प्रेसिडेंट ने टिम कुक को लेटर लिखा था कि भाई रशिया के अंदर एप्पल की सर्विसेज को बंद किया जाए, तो फाइनली दिस थिंग हैपन्ड। एप्पल ने रशिया के अंदर अपनी सेल्स एंड सर्विसेज को बंद कर दिया और आप अब ऑफिशियली तौर पर एप्पल की वेबसाइट या फिर स्टोर्स के ऊपर जाकर प्रोडक्ट्स को बाय नहीं कर सकते। इसके अलावा गूगल मैप्स की तरह जो एप्पल के मैप्स है ना, मेरे मुंह में गूगल मैप आ गया था, फिर आपके भाई ने उसको कवर किया। गूगल मैप्स की तरह एप्पल के जो मैप्स हैं वो सर्विस को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा एप्पल पे को काफ़ी हद तक लिमिटेड कर दिया गया। तो आपको पता है इससे पहले स्टारलिंक ने फ्री जो उनकी सर्विसेज थी यूक्रेन के अंदर इनेबल की थी, तो अमेरिका अपनी कंपनीज के थ्रू जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो लगा रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है एंड्रॉयड 13 के बारे में। तो इससे पहले एंड्रॉयड की पूरी लाइनअप के अंदर ये ऑप्शन नहीं था कि आप अपने फ्लैश की जो लाइट है उसको ना कंट्रोल कर सको। आईफोन्स के अंदर तो काफ़ी देर से ऑप्शन मौजूद है कि फ्लैश लाइट को कुछ लेवल तक आप डिम कर सकते हो या फिर हाई कर सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड 13 के अंदर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि दिस ऑप्शन इज़ कमिंग। आपको सारे फोन्स के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी फ्लैश लाइट को कितना ज़्यादा फास्ट, जितना ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हो। वैसे सैमसंग के यूआई के अंदर ये हमें ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अब बिल्ड इन ये ऑप्शन आपको एंड्रॉइड के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है Xiaomi 12 सीरीज़ के बारे में। तो फाइनली लॉन्च डेट ऑफिशियली तौर पर कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि ऑफिशियल पोस्टर सामने आ चुका हुआ है। नेक्स्ट मंथ की 15th को ग्लोबल मार्केट के अंदर Xiaomi 12 सीरीज़ को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ही ये पाकिस्तान के अंदर आएगी। तो अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको अभी भी तकरीबन महीना, डेढ़ महीना, दो महीने, डिपेंडिंग अपॉन पाकिस्तान के अंदर कब आती है ये वाली सीरीज़, वेट करना पड़ सकता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, स्पेसिफिकेशंस टॉप नॉच हैं। वो जो प्राइस होगी वो तो आप लोगों को बताएं कि काफ़ी लाइक एग्रेसिव होगी। Xiaomi के जो फ्लैगशिप लाइक मिड रेंज फ्लैगशिप टाइप के जो अपर प्रीमियम मिड रेंज के जो फ़ोन होते हैं ना, वो काफ़ी डिसेंट प्राइस के ऊपर आ रहे होते हैं। इसके बाद अगली अपडेट है MediaTek के बारे में। तो कल हम लोगों ने एक अपडेट को डिस्कस किया जिसके अंदर मैंने MediaTek की जगह स्नैपड्रैगन कह दिया, पता नहीं कुछ कमेंट्स आ रहे थे उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अपडेट ये है कि MediaTek ने US की मार्केट के अंदर जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनको सप्लाई करने के लिहाज से प्रोसेसर जो Qualcomm ने उससे आगे निकल चुका हुआ है। लाइक US की मार्केट के अंदर MediaTek 51-52% प्रोसेसर को सप्लाई कर रहा है एंड्रॉयड मार्केट के अंदर, जो कि Qualcomm से ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि Qualcomm की जो प्रोडक्शन लाइन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं और सैमसंग की प्रोडक्शन लाइन इससे भी ज़्यादा लाइक बुरी चल रही है। तो MediaTek इज़ नॉट कमिंग स्लो, लेट सी कि क्या ये उस लेवल की पीक परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर भी पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर हैं ना वो अभी भी सुपीरियर हैं एज कम्पेयर टू MediaTek के प्रोसेसर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है Realme 9 4G के बारे में। अब जो है ना Realme की कोई इतनी ज़्यादा खास समझ नहीं आ रही है कौन सी मार्केट के अंदर कौन से फ़ोन्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन दिस स्पेसिफिक अपडेट इज़ अबाउट Realme 9 4G जो कि पाकिस्तान के अंदर होपफुली आएगा। डिफरेंट सर्टिफिकेशन के ऊपर ये लिस्ट हुआ है। इसके अंदर आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलने वाला है 5000mAh की बैटरी के साथ, 33W की फास्ट चार्जिंग की पोर्ट होगी। इतनी अभी तक डिटेल सामने आई है। दूसरी जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसर, डिस्प्ले, उनकी बेस के ऊपर हम लोग प्राइस का आइडिया लगा सकते थे, लेकिन अभी तक क्योंकि बैक साइड के ऊपर एक कैमरा के सेंसर का हमें पता चला और बैटरी का पता चला, तो हमारे लिए इस चीज़ का आइडिया लगाना कि प्राइस कितनी होगी विच इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। वैसे इस मंथ के अंदर एक्सपेक्टेडली रियलमी की 9 सीरीज़ का कोई ना कोई फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ना उम्मीद की, तो सैमसंग की ए सीरीज़ के भी फ़ोन के पाकिस्तान के अंदर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अभी रिसेंटली सैमसंग A13 के जो सपोर्ट पेजेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो लिस्ट हो चुके हुए हैं। जो डिटेल निकल के सामने आ रही है ना ये 4G वेरिएंट की है। इसके अंदर आपको मे बी एक 5G वेरिएंट भी मिले। जो 4G वेरिएंट है उसके अंदर Exynos 850 का प्रोसेसर कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी एक बेसिक एंट्री लेवल का प्रोसेसर है। IPS LCD डिस्प्ले 1080p की रेजोलूशन के साथ 5000mAh की बैटरी और 18W की फास्ट चार्जिंग की या फिर 15W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हो सकती है। बेसिक टाइप का फ़ोन होगा और सैमसंग की बेसिक हमें स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस बेसिक फ़ोन से थोड़े से अपर रेंज के फ़ोन की, जो कि है सैमसंग गलेक्सी A33, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हो चुका हुआ है। सैमसंग की ये जो ए लाइनअप की सारी डिवाइसेज हैं ये एट द नियर लाइक एज के ऊपर लॉन्च होने के। अभी जो रिसेंट अपडेट्स आ रही हैं A33 के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर के बारे में, Exynos 1200 का प्रोसेसर कहा जा रहा है। इसके अंदर भी अब अगेन दो वेरियंट्स आएंगे, एक 5G वाला वेरियंट होगा, एक 4G वाला वेरियंट होगा पाकिस्तान के अंदर।
अंदर होपफुली 4G वाला वेरियंट ही आएगा, तो इसके अंदर एक्सिनोस 1200 का प्रोसेसर हो सकता है। फ्रंट के ऊपर डिजाइन वही होने वाला, नोच मिलने वाली है, पंच होल नहीं मिलने वाला, एमोलेड 90Hz का रिफ्रेश रेट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 5000mAh की बैटरी के साथ 25W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हो सकती है। मेन जो चेंज होगा वो प्रोसेसर के अंदर होगा और मे बी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आ जाए एज कम्पेयर टू A32। डिजाइन काफी हद तक सिमिलर ही होने वाला है, तो लेट्स सी कि सैमसंग इसकी प्राइस कितनी रखता है, लेकिन मे बी अंडर 40,000 या फिर 40,000 तक पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है, आज की हमारी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि Xiaomi पाकिस्तान के बारे में। अब हम लोग सभी उम्मीद कर रहे थे कि Xiaomi Redmi Note 11 सीरीज मेड इन पाकिस्तान आएगी, मैंने भी आप लोगों को यही बात कही थी, लेकिन Xiaomi ने मुझे भी सरप्राइज किया और आप लोगों को भी सरप्राइज किया, वो वाले फोन मेड इन चाइना आए। अभी तक कोई भी मार्केट के अंदर Xiaomi का मेड इन पाकिस्तान फोन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत जल्द चेंज होने वाली है, क्योंकि ये चीज रिपोर्ट की जा रही है कि 4 मार्च को Xiaomi अपने मेड इन पाकिस्तान फोन की जो असेंबली लाइन है उसकी इनॉग्रेशन करेगा, जिसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट आई थिंक अटेंड करेंगे उस सेरेमनी को, और उसका मतलब यह है कि उसके बाद से पाकिस्तान की मार्केट के अंदर में भी मेड इन पाकिस्तान फोन्स को भी लॉन्च कर दिया जाए। 4th को इनोग्रेशन होगी, इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी प्रोडक्शन चल ही रही होगी, और Xiaomi का ये प्लान है, अभी तक की जो न्यूज़ आ रही है वो ये कह रही है कि 550 मिलियन फोन्स को अप टू द नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक प्रोडक्शन लाइन के अंदर बनाया जाएगा। इसका क्लियर मतलब यह है कि इतने ज़्यादा फोन्स पाकिस्तान के अंदर तो सेल्स डेफिनेटली नहीं होंगे, इसका मतलब यह है कि ये वाले फोन्स एक्सपोर्ट होंगे, विच इज़ अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आएंगे फोन्स वो तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ही है। उससे भी बड़ी अपडेट है कि भाई Xiaomi पाकिस्तान से बाय एक्सपोर्ट अपने फोन्स को करेगा, और यहां पर ये जो 550 मिलियन यूनिट्स का नंबर है ना, ये भाई काफी ज्यादा एक नंबर है, और आप लोग रेवेन्यू का आइडिया टोटली तौर पर लगा सकते हो। इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स चल रहे Xiaomi के, उनकी प्राइस भी ड्रॉप होगी, डेफिनेटली होगी, होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली होगी। इसके अलावा ये चीज भी कही जा रही है कि जो Redmi Note 10 Pro है ना, उसको दोबारा से पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जो कि काफ़ी क्रेजी चीज़ होगी। आज की डेट के अंदर भी वो वाला स्मार्टफोन काफ़ी हद तक वैल्यू फॉर मनी है, अगर वो 40,000 के अराउंड भी लॉन्च कर दिया जाता ना, तो काफ़ी एक अच्छी डील होने वाली है। लेट्स सी का कौन सा फोन सबसे पहले पाकिस्तान की मार्केट के अंदर Xiaomi की तरफ से मेड इन पाकिस्तान आता है, जैसे कोई अपडेट है कि आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो अगली अपडेट है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स और 2G फोन्स के बारे में। अब 2017 के अगर हम लोग नंबर्स ऊपर देखते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60% 2G फोन चल रहे थे और 40% स्मार्टफोन चल रहे थे, और इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये काम हुआ है कि 2021 की अभी पीटीए की रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर उन लोगों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आज की डेट के अंदर जिस वक्त ये वाली रिपोर्ट आई थी, 52% स्मार्टफोन्स लोग यूज़ कर रहे हैं और 48% 2G फोन्स को यूज़ कर रहे हैं। लाइक जो नंबर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पाकिस्तान। आपको पता है कि भाई जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ेगा ना स्मार्टफोन यूज़र्स का, हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर जितने ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स होंगे, उतने ज़्यादा लोग यूट्यूब को देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन है ना, लोग ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर ही चल रहे हैं, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिजनेस बढ़ेगा, लोगों का इंटरनेट का यूज़ बढ़ेगा, लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी। यार मेरी कॉल आ गई थी, अच्छा यार पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं ना, वो बढ़ते जा रहे हैं, 2G के यूजर्स कम होते जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और पाकिस्तान के अंदर कंपनीज लग रही हैं, स्मार्टफोन सस्ते भी होंगे, लोगों की रीच के अंदर आएंगे, इंटरनेट भी सस्ता हो रहा है, वैसे खास सस्ता तो नहीं हो रहा, लेकिन उसकी जो रीच है वो बढ़ती जा रही है, तो काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके बाद हमारी आज की जो लास्ट अपडेट है वो है पीटीए और स्टारलिंक के बारे में। तो अभी रिसेंटली पीटीए की टीम की स्टारलिंक के वाइस प्रेसिडेंट से मीटिंग हुई है बार्सिलोना के अंदर, जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस चल रही है वहाँ पर, तो उन लोगों ने रेगुलेशन, टेक्निकल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट्स जो है ना, पहलू जो है ना स्टारलिंक के पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने के, उनको डिस्कस किया है। अब पता नहीं क्या फाइंडिंग सामने आई है, इनका कोई क्या सीन चल रहा है, मीटिंगें शीटिंगें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही मीटिंग्स चल रही होंगी, तो उम्मीद इस चीज़ की भी की जा सकती है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के तो उसको मे भी इजाज़त मिल जाए और वो ऑपरेशनल हो जाए। तो बस यही अपडेट्स थी, वीडियो को खत्म करते हैं, जान से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।